हाय गाइस, वेलकम अगेन इन मोसना क्लासेज। आज हम लोग करने जा रहे हैं हाइपोथेसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर वन में एक से दो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और पेपर टू में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली, ठीक है। क्योंकि जितने ही मेजर सब्जेक्ट हैं आप ले लीजिए, जैसे मैनेजमेंट ले लीजिए, कॉमर्स ले लीजिए, इकोनॉमिक्स ले लीजिए, या फिर एजुकेशन ले लीजिए, यहाँ पेपर टू के अंदर हाइपोथेसिस एक या दो क्वेश्चन हमेशा रहते हैं। तो इसको बहुत ही अच्छे समझिए कॉन्सेप्ट को। बेसिकली हाइपोथेसिस को हम क्या बोल सकते हैं, इसकी नीड क्या पड़ती है। सबसे पहले कोई भी रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, फॉरमोस्ट नीड क्या है हमारी। फॉरमोस्ट नीड हमारी यही है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम होनी चाहिए या एक क्वेश्चन होना चाहिए, जिसे रिसर्च क्वेश्चन कह सकते हैं, ठीक है, या रिसर्च प्रॉब्लम जिस पर हमें वर्क करना है कह सकते हैं। तो जब प्रॉब्लम होगी तो प्रॉब्लम के साथ क्या होगा, एक सॉल्यूशन भी होगा, जिसे हम मान के चलेंगे इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है, और उसी सॉल्यूशन को हम टेस्ट करेंगे और चेक करेंगे स्टैटिकल मेथड लगा के। ओके, हाइपोथेसिस जो होती है बेसिकली दो टाइप की होती है, जो ट्रेडिशनल होती है आपकी नल और अल्टरनेटिव। यहाँ पे हम नल अल्टरनेटिव की ही बात करने वाले हैं। थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। जनरेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ साइंटिफिक प्रोसेस। तो ये स्टार्ट होती है, इसे हम बोल सकते हैं सपोजिशन। बेस्ड ऑन रीजनिंग एंड एविडेंस द रिसर्चर एग्जामिन करता है, जैसे मैंने बताया आपको, विच देन प्रोवाइड फैक्ट्स एंड फॉरकास्ट पॉसिबल आउटकम की बात करता है। यानी रिजल्ट ही बोल सकते हो आप इसको, कि ये रिजल्ट हम मान के चल लो, इसी रिजल्ट को हमें टेस्ट करना है ये सही है या गलत है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, नल के ऊपर आते हैं। बेसिकली नल हाइपोथेसिस इसका मतलब क्या होता है, नल का मतलब होता है नो चेंज, यानी जो चीज़ है वो वैसे ही बनी है, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आ रहा है। इम्प्लाइज अ स्टेटमेंट डैट एक्सपेक्ट नो डिफरेंस और इफेक्ट एंड द नल हाइपोथेसिस विच इज़ टू बी एक्चुअली टेस्टेड। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, तो समझते हैं थोड़ा एक एग्जाम्पल से। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक मेडिसिन हम डेवलप कर रहे हैं जो कि कैंसर के अगेंस्ट वर्क करेगी, यानी कैंसर को ठीक करने में हेल्पफुल रहेगी, तो हम उसको टेस्ट करेंगे पहले लैब के अंदर। तो लैब के अंदर टेस्ट में हम क्या चेक करेंगे, या तो वो मेडिसिन से कैंसर ठीक होगा या नहीं ठीक होगा, ठीक है। तो या कैंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कैंसर नहीं ठीक होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे नल हाइपोथेसिस, यानी कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। ओके, तो नो चेंज की बात जब भी आएगी नल पे आप जाओगे, जहाँ कोई भी चेंज नहीं होगा। इम्पॉर्टेंट बात आपको क्या याद रखनी है, कोई भी रिसर्चर जो होता है वो किसको टेस्ट करता है, किसको चेक करता है, वो हमेशा और हमेशा नल हाइपोथेसिस को ही टेस्ट करता है, और कोशिश करता है नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने की। जब नल को आप रिजेक्ट करोगे तो क्या आएगा, वहाँ पर अल्टरनेटिव आएगा। अल्टरनेटिव मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज वन दैट एक्सपेक्ट सम डिफरेंस और इफेक्ट। यानी जो एग्जांपल आपको भी मैंने कैंसर वाला दिया था, यानी वो दवा या कैंसर पे वर्क करती है, तो यानी दवा की वजह से कैंसर में चेंज आ रहा है, तो डैट्स वाई हम अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट कर लेंगे। यानी जब कुछ भी चेंज होगा हमारी रिसर्च की वजह से, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम अल्टरनेटिव कहेंगे। यानी जैसे ही नल रिजेक्ट होता है तो अल्टरनेटिव ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाता है। डैट्स वाई हम सिर्फ और सिर्फ किसको टेस्ट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ नल को टेस्ट करते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर रखिए अपने दिमाग के अंदर, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आगे मैंने की डिफरेंसेस डाले हैं, वहाँ पर चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अब आते हैं हम लोग डिफरेंसेस के ऊपर। तो पहले मीनिंग है, नल हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट इन विच देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है, दो वेरिएबल के बीच में कोई संबंध नहीं है, नो चेंज हो रहा है, ओके, तो उसको हम नल कह देंगे। यहाँ मान लीजिए आप डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर लीजिए, तो जो कैंसर है वो क्या है, वो डिपेंडेंट है, और जो उसके लिए हम मेडिसिन डेवलप कर रहे हैं वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, ओके। तो हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं कि मेडिसिन और कैंसर में जब कोई रिलेशनशिप नहीं है, यानी उस मेडिसिन से कैंसर ठीक नहीं हो रहा है, तो उसी को हम नल कहेंगे, यही बात यहाँ बोला जा रहा है। अल्टरनेटिव में क्या होगा, स्टेटमेंट जहाँ पे कुछ चेंजेस आए, स्टैटिकल सिग्निफिकेंस हमको देखने को मिले, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम अल्टरनेटिव कह लेंगे। रिप्रेजेंट करता है नो ऑब्जर्व इफेक्ट, यानी कोई चेंज नहीं आता, सम ऑब्जर्व इफेक्ट यहाँ पे होता है। ये एक्चुअल में होता क्या, इट इज़ व्हाट द रिसर्चर ट्राइज टू डिसअप्रूव, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने पहले बताया है कि हम किसको टेस्ट करते हैं, नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, और कोशिश करते हैं कि उस कोशिश करते हैं नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दें,
ठीक है, और जबकि अल्टरनेटिव में क्या होगा, इसमें चेंज होगी ओपिनियन के अंदर आपकी। टेस्टेड नल हाइपोथेसिस को ही हम टेस्ट करते हैं, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 से 3 बार आ चुका है। तो आप किसको टेस्ट करते हो, नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो, और इट अप्रूव व्हेन वी डिसअप्रूव नल, ठीक है। और अल्टरनेटिव जब आप नल को डिसअप्रूव कर लोगे, अपने आप अल्टरनेटिव क्या होगा, अप्रूव हो जाएगा। डिनोट किससे करते हैं, H0 से डिनोट करते हैं नल को, H1 से डिनोट करते हैं अल्टरनेटिव को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा आप लोग। मैथमेटिकल फार्मूला क्या है, इक्वल साइन आती है नल के अंदर और अनइक्वल साइन आती है अल्टरनेटिव के अंदर। अब जब हम करेंगे टेस्ट तो उसमें कुछ इरर भी होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पढ़ते हैं Type 1 एंड Type 2 इरर्स, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली लिखा क्या है, इसको रीड कर देते हैं। नो हाइपोथेसिस टेस्ट इज 100% सर्टेन बिकॉज द टेस्ट इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बेस होता है, इसलिए कोई भी टेस्ट होता है वो 100% सर्टेन या श्योर नहीं होता है। देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ मेकिंग अन इनकरेक्ट कंक्लूजन, हमेशा इनकरेक्ट कंक्लूजन की चांसेस बने रहते हैं। टाइप वन इरर की बात करते हैं, व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज अ ट्रू बट वी रिजेक्ट इट, लेकिन उसे हम रिजेक्ट कर देते हैं। यानी कि टाइप वन इरर में क्या होता है, नल हाइपोथेसिस सही रहता है, यानी कोई भी संबंध नहीं होता डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद हम रिजेक्ट कर देते हैं और कहते हैं कि संबंध है, ठीक है। तो यह क्या हो गया, ये वन टाइप ऑफ इरर हो गई। इसी इरर को हम कहते हैं टाइप वन इरर, जब नल हाइपोथेसिस ट्रू हो बट हम रिजेक्ट करते हैं उसको, ठीक है। इट यू मेक अ टाइप वन इरर, इसी को हम टाइप वन इरर कहते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ विच इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और इसकी संभावनाओं को हम क्या कहते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं। और इसकी हम लिमिट सेट करते हैं 0.05 या 5% भी आप कह सकते हो। यानी जब हम कहते हैं कि नल हाइपोथेसिस सही है, ठीक है, नल हाइपोथेसिस गलत है, सॉरी, जब हम कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम यहाँ पे 0.05% लेके चल रहे हैं, यानी 5% संभावना लेके चल रहे हैं कि हमारा रिजल्ट क्या होगा, गलत हो सकता है। इसकी संभावना कितनी है, 5%। यानी हम कह रहे हैं यहाँ पे नल हाइपोथेसिस गलत है, तो ये बात जो है हमारी गलत हो सकती है, 5% इसकी पॉसिबिलिटी है, सिंपली इसका मतलब ये है। टाइप टू इरर इसका उल्टा होता है, व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स, यानी नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इनडिपेंडेंट वेरिएबल में संबंध है, ठीक है। उसके बावजूद हम क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि नल हाइपोथेसिस जो है ट्रू है, और इस टेस्ट को हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ टेस्ट कहते हैं इसको, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से। ओके गाइस, तो नल और अल्टरनेटिव और टाइप वन टाइप टू इरर समझ में आ गया होगा आपको। बस ये याद रखना है टाइप वन इरर में क्या होता है, टाइप टू इरर में क्या होता है। एक लाइन में आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, टाइप वन इरर में ये होता है कि नल हाइपोथेसिस जो होता है हमारा वो सही होता है बट उसे हम रिजेक्ट कर देते हैं, और टाइप टू इरर में क्या होता है, नल हाइपोथेसिस गलत होता है बट उसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये आपके टाइप वन इरर हो गए, और ये हो गया आपका टाइप टू इरर, इसको आपको इसी तरह याद रखना है। बाकी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो क्लास में। गुड बाय, टेक केयर।